हेलो एवरीवन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को उसको हम किस तरह से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, किस तरह से इनको परफॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज बोल्ड, व्हाट इज स्ट्राइक, व्हाट इज इटैलियन, व्हाट इज अंडरलाइन, डेफिनेटली इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नाउ टाइटल ऑफ द पेज क्या होगा, पेज क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर पेज होता है ब्राउजर, एंड देन उसका जो हमारा टाइटल होता है वो क्या होगा, उसका नेम क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें माय एच टी एम एल, ओके, टाइटल इसका माय एच टी एम एल है, ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने माय एच टी एम एल लिख दिया है, और हमें ये भी पता है कि एच टी एम एल जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये स्मॉल लेटर्स में राइट, ये कैपिटल लेटर्स में हो या स्मॉल में हो, दोनों सेम माने जाते हैं, बिकॉज एच टी एम एल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, नाउ इसमें हमने टाइटल लिख दिया है, देन बॉडी, बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में हमारा फर्स्ट टैग हम कर सकते हैं इसमें वेलकम टू इंडिया, ओके, वेलकम टू इंडिया, ये हमारा सिंपली टैग, मतलब सिंपली हमने लिख रखा है, स्टेटमेंट है हमारी, कोई हमने टैग यूज नहीं किया है। देन सेकंड वन इज आई लव डॉग्स, ओके, सेकंड है ये, इसमें भी हमने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ सिंपली हमने लिखा है। एंड थर्ड वन वुड बी आई लव मैथ्स, ओके, तो हमने ये तीन हमारे ये हैं। तो इस तरह से किस तरह से करेंगे, इसे सेव कर लेते हैं एंड देन इसको लॉन्च करेंगे, रन लॉन्च इन क्रोम, एंड देन यू कैन सी माय एचटीएमएल इज द टाइटल ऑफ द पेज, राइट, एंड देन बॉडी जो है हमारी, जो हमारा नीचे इसमें बन के आता है उसमें लिखा है वेलकम टू इंडिया, देन आई लव डॉग्स एंड आई लव मैथ्स, एंड एक ही लाइन में आया है बिकॉज ये हमने सिंपली ये दिया है, राइट तो हम किस तरह से इसको बोल्ड करेंगे इस वाले को, तो हम मैंने पहले भी बता रखा है पहली वीडियो में, बी करते हैं, बी फॉर बोल्ड, एंड देन कहाँ तक करना है वहां तक बी क्लोज कर देंगे, राइट अगर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही बोल्ड हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले बी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, देन यू कैन सी वेलकम टू तो सिंपल आएगा, एंड जो इंडिया होगा वो होगा बोल्ड में, फाइन, तो हम सिंपली हम कहते हैं कि ये पूरा पूरा बोल्ड में हो, तो हमने इस तरह से कर लिया है। नाउ इटैलिक, इटैलियन फॉर्म में आए, मतलब क्या आए करते हैं, आई फॉर इटैलियन, इटैलिक, एंड देन इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कि ये पूरा का पूरा इटैलिक फॉर्म में आए। नाउ थर्ड वन वुड बी इन अंडरलाइन फॉर्म, व्हाट इज अंडरलाइन फॉर्म, अंडरलाइन मतलब कि इसके नीचे लाइन बनी आए, फाइन, तो उसके कहते हैं हम अंडरलाइन, ऑलराइट। नाउ फोर्थ वन भी होगा, ये क्या होता है फोर्थ वन, कंप्यूटर साइंस, ओके, फोर्थ वन है कंप्यूटर साइंस, एंड देन इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है, एस फॉर स्ट्राइक मीन्स एक तरह से कट, ओके, मतलब बीच में से कट हो गया एक तरीके से हम कर सकते हैं, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, एंड देन यू कैन सी क्या होता है इसमें, हमने सेव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस, देन रन करते हैं इन क्रोम, आई विल यूज क्रोम, आप कोई भी वेब ब्राउजर में यूज कर सकते हैं बट मैं क्रोम में यूज करूंगी, ओके। नाउ टाइटल ऑफ द पेज है माय एच टी एम एल बिकॉज टाइटल ऑफ द पेज इज दिस, राइट, एंड देन ये एक ही फॉर्म में आया है, एक ही लाइन में आया है बिकॉज हमने कोई भी पैराग्राफ फॉर्म नहीं दिए, कोई भी ब्रेक लाइन नहीं करी है, तो ये एज इट इज एक ही लाइन में आएगा, अगर हम इसको ऐसे ऐसे भी करते हैं ना तो स्पेस नहीं आएगा, सब के सब एक ही लाइन में आएंगे, तो स्पेस का कोई इसमें बात नहीं है। अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या है, वेलकम टू इंडिया जो है बोल्ड में है, आई लव डॉग्स, आई लव डॉग्स जो है वो इटैलिक में है, राइट, मतलब इटैलिक फॉर्म में आया है थोड़ा, एंड देन आई लव मैथ्स जो है वो हमारा अंडरलाइन होके आया है, डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस जो है हमारा स्ट्राइक यूज हुई है, इसको बीच में से कट किया है, ओके, तो हम इस तरह से इन टैग्स को यूज करते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताऊंगी, अब हम एक टैग को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आई मीन टू से वी कैन यूज बोल्ड टैग एंड इटैलिक टैग विद इन सेम स्टेटमेंट, आई मीन हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, इटैलिक क्लोज करेंगे, फाइन, एंड देन रन करेंगे इसको, देन यू कैन सी ये बोल्ड है प्लस इटैलिक है, ओके, तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि पहले बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप
कौन सा पहले लिखते हो. ओके तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने पहले इटैलिक लिखना है या अंडरलाइन लिखना है, कोई सा भी हम लिख सकते हैं. और डेफिनेटली मेक श्योर कि हमारा जो टैग है वो क्लोज भी है, राइट. तभी तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक करना है या कुछ और भी करना है. ओके इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.